आज भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी से मुलाकात कर बिहार के पटना में अत्यंत गंभीर बीमारी से पीड़ित आयांश बाबू के इलाज में शीघ्र मदद के लिए निवेदन किया और बताया कि देश के कोई भी रिसर्च सेंटर बच्चे को गोद लेकर इलाज करे ताकि बच्चे के साथ समाज का भी भला हो सके और आगे कोई भी बच्चा इस संकट से ना जूझे। वहीं इस विषय पर अविलंब संज्ञान लेते हुए माननीय मंत्री जी ने तुरंत अपने विभागीय अधिकारी को बुलाकर मेरे साथ इसके बारे में विस्तृत चर्चा की। इस विषय पर अविलंब संज्ञान लेते हुए माननीय मंत्री जी ने तुरंत मनीष सिंह के साथ अपने विभागीय अधिकारी को बुलाकर इसके बारे में विस्तृत चर्चा की तो पता चला कि अभी पूरे देश में लगभग 50 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। मंत्री जी ने भरोसा भी दिया है कि 16 करोड़ की कीमत पर लगभग 6 करोड़ के इम्पोर्ट ड्यूटी को माफ़ किया जाएगा, जिसमें इसकी कीमत 10 करोड़ के आसपास हो जाएगी। साथ ही मंत्री जी प्रयासरत हैं कि लगभग 50 इंजेक्शन को विभाग द्वारा सब्सिडी देकर मंगवाया जा सके ताकि और भी बच्चों का इलाज संभव हो सके। बिहार के युवा पूरी तरह एकजुटता से आयांश बाबू के परिवार के साथ खड़े हैं। भरोसा है कि आयांश बाबू को बचाने में भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी।